وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله. وبركاته. समरात الموعظة العشرية पढ़ना था शायद, इसमें कई सारे समरात हो सकते हैं, इसमें से चंद पर हम इंतजार करेंगे. चंद का तस्करा यहां किया जाएगा. पहली चीज है अदाब अमान किरदार. मवाइज हसना को अगर हम इख्तियार करते हैं तो उसका पहला समरा यह है कि इस्लामी दावत की अमानत जो हमारे ऊपर है उसकी अदायगी हो जाती है. दूसरी चीज है तहकीक पैरियत الأمة الإسلامية. أمة الإسلامية کی خیریت جس کے بارے میں کہا گیا ہے كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یہ جو خیر أمت کہا گیا ہے قرآن مجید میں اس کی تحقیق ہوتی ہے. یہاں چاہیں تو بریکٹ میں آپ اشارہ لے سکتے ہیں كنتم خير أمة أخرجت للناس. تیسری چیز ہے سرعة استجابة الناس إليها. سرعة استجابة الناس إليها. يعني لوگ اس کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں. مواعظ حسنہ تینوں اساليب میں سے ایک ایسا اسلوب ہے جس کو بہت جلدی قبول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر لوگوں کی رعایت کی جاتی ہے, اس وجہ سے لوگ اس کو جلدی قبول کرتے ہیں. بالموعظة يتم الترغيب من جنس الطاعات. يعني اس کے ذریعے سے ترغیب کی اطاعت کے کام میں ادائیگی ہوتی ہے. اطاعت کے کام میں جو ترغیب دینے کا حکم ہے اس کی تکمیل کی جاتی ہے مواعظ حسنہ کے ذریعے. اور اسی طریقے سے ایک چیز میں اور کنسپتی نے بھی شیئر کیا ہے, یہاں یہ کر سکتے ہیں بالموعظة يتم الترغيب من جنس الذنوب. پانچویں چیز ہے کہ موعظ حسنہ کے ذریعے گناہوں سے ڈرانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے. یہ جو بہت اہم موضوع ہے اس کا چوتھا نمبر ہے بالموعظة يقدم الترغيب من جنس الطاعات. اس سلسلے میں سورة النور کی آیت نمبر 55 ہمارے سامنے ہونے چاہیے. سورة النور کی آیت نمبر 55 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جب انسان اطاعت کے کاموں پر ترغیب دیتا ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ انسان کے غلبے کا اور زمین پر غلبہ حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے. ترغیب جو ہے
इताअत के कानून में तरगीब देने से मतलब क्या है? बहुत सारे उसके निकात हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर तौहीद की तरगीब, अल्लाह के साथ इखलास की तरगीब, इताअत रसूल की तरगीब, और उसके बाद अरकान इस्लाम, अरकान ईमान बिलतरतीब सारी चीजों को आप इसमें ले सकते हैं। ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। लोगों के साथ बेहतर मामलात, हुकूक की अदायगी, रिश्तेदारियों को जोड़ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और आखिरी जो है यतीम से गुनों, बुराई के कामों से डराने की जिम्मेदारी भी इससे पूरी होती है। ये डराना किस चीज से हो सकता है? उसके मद्दे मुकाबले में यहां तौहीद के मद्दे मुकाबले शिर्क और उसकी सारी किस्में, इखलास के भी मुकाबले रियाकारी, इताअत रसूल के भी मुकाबले बिदआत व खुराफात, और इसी तरीके से अरकान इस्लाम, अरकान ईमान या जो भी चीजें हैं उसके भी मुकाबले जो बुराइयां आती हैं वो सब इसमें शामिल होती हैं। तो गोया ये है कि ये दो निबात जो है एक तरह से खुलासा है दीन का। अगर इनमें इंसान कामयाब हो जाता है तो गोया उसने दीन की मुकम्मल तर्जुमानी कर ली। ये चंद चीजें हैं जो सम्राते मौजूदा हसना, पांच चीजें आपको बताई गई हैं, इन पांचों को नोट कर, ठीक है? कुछ पूछना है इसमें तो देखिए, जल्दी से पूछिए ताकि आगे थोड़ा सा कुछ बता दिया जाए। पांचवी किस्म दोबारा बता दीजिए। हाँ, पांचवी किस्म दोबारा बता दीजिए। पांचवी चीज है बिल मौइज़ती यतिम तरहीब मिन जिन्स दुनूब, मवाइज़े हसना का उसलूब इख्तियार करने से गुनाहों से डराने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी होती है। अब गुनाहों से डराने की जिम्मेदारी इन दोनों चौथे और पांचवें निकात को सामने रखें। चौथा निकात नुक्ता है कि इताअत के कामों या नेकी के कामों पर तरगीब देने की जिम्मेदारी पूरी होती है। वो तरगीब किन कामों की दी जाएगी? बिलतरतीब जो अहम है, तौहीद, इखलास, इत्तबाए रसूल, अरकान ईमान, अरकान इस्लाम, और इसी तरह से मामलात, रिश्तेदारियों को जोड़ना, उसी के बिलमुकाबिल आप पांचवी चीज को देख लें कि गुनाह के कामों से डराने की जिम्मेदारी पूरी होती है, तो सवाब के कामों के बिलमुकाबिल जो गुनाह हैं, तौहीद के बिलमुकाबिल शिर्क है, इखलास के बिलमुकाबिल रियाकारी है, ये इसी तरीके से इत्तिबाए रसूल के बिलमुकाबिल बिदआत व खुराफात हैं, और अरकान इस्लाम, अरकान ईमान के सिलसिले में उसके बिलमुकाबिल उससे मुतालिक होता ही है। ये सारी की सारी चीजें, इनसे डराने का हुक्म जो दिया गया है वो मवाइज़े हसना को इख्तियार करने से वो जिम्मेदारी हम पूरी कर सकते हैं, ये उसका एक फायदा है। वाज़े हो गया? जी जी सर। अल्लाह से ये सर थोड़ा हटके सवाल है। हाँ बताइए। शेख, अगर एक बंदा है शेख, तो वो पढ़ा लिखा है और जाती तौर पर पढ़ा लिखा है, कुरान मजीद की तिलावत भी करता है, तर्जुमा भी करता है, और सारी चीजें उसको इस्लाम की नॉलेज है, लेकिन वो बहुत सारी गलतियां करता है, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब भी करता है, तो उसे कौन सा ऐसा उसलूब है जिसके जरिए से हम उसे जो है दावत दे सकते हैं? अगर हम दावत देते हैं तो उसको बुरा लगता है और कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, समझाने की जरूरत नहीं है, तो कोई ऐसा उसमें एक अंदाज की सरकशी और इनाद है उसके यहाँ अपने इल्म पर। आप तो इतना वो कह रहे हैं, उसके बारे में इतना तस्किया कर रहे हैं जो पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर हकीकत में पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बात नहीं करता कि मुझे खो जानकारी है। जिस आदमी को जानकारी होती है वो कभी दावा नहीं करता है कि मैं जानकार हूं या मैं आलिम हूं, ठीक है? तवाजु होता है उसके यहाँ। उसके यहाँ थोड़ा बहुत जो इल्म है उस पर इस बात का ज़ाम है कि मुझको इल्म है, लिहाजा उसको इन मामलात में मवाइज़े हसना पहले नंबर पर, और वो चीज़ें मुख्तलिफ असालीब में उसके मिजाज का ख्याल करते हुए
हालात का ख्याल करते हुए, और अगर उससे भी वो सुधार की तरफ ना जाए तो जिदाल बिल्लती ही अहसन, उससे बाकायदा तन्हाई में बहस व मुबाहसा किया जाए। इस सिलसिले में दो तीन चीज़ों का ख्याल किया जाएगा। मवाइज़ हसना जब हम इख्तियार करेंगे तो उसमें उसके जो करीबी लोग हैं, यानी जो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, यानी उसके वालिद मिसाल के तौर पर, उसके चचा या उसके उससे बड़ी उम्र में लोग जो उसकी नज़र में काबिल एतमाद हैं, उन लोगों को पहले अपने एतमाद में लिया जाए और कहा जाए कि फ़ला शख्स जो आपका फ़ला रिश्तेदार है या आपसे कुर्बत रखता है उसके यहाँ इस तरह की कोताहियाँ हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप बीच में पढ़ करके उसको समझाएं। जब इंसान अपने किसी करीबी या किसी ऐसे शख्स से कोई बात सुनता है जिस शख्स पर वो एतमाद करता है तो बातों का असर पड़ता है। अगर हमारी बात कबूल नहीं करता तो उम्मीद है कि उसकी बात कबूल कर लेगा। तो ये मवाइज़ हसना के उसलूब में इस चीज को इख्तियार किया जाए, और उसके बाद अगर इससे फायदा नहीं होता है तब जिदाल, लेकिन वो भी तन्हाई में सबके सामने नहीं। तो अब इसमें जो है बुनियादी तौर से जिस आदमी के यहां आना होती है कि मैं किसी की नसीहत का मोहताज नहीं, ये सबसे खतरनाक अंसुर है। इस अना को तोड़ने के लिए जो मुनासिब असालीब हो सकते हैं मवाइज़ हसना में, उस इलाके के लिहाज से, उस आदमी के मिजाज और उसके इलाके के लिहाज से, माहौल के लिहाज से, वो असालीब दाई को वहां पर मुंतखब करके और उसके बाद उनको इस्तेमाल करना चाहिए, वो असालीब इंशाल्लाह कारगर होंगे। उसमें बुनियादी तौर से एक मसला ये भी है कि ऐसा आदमी जो अपने बारे में ये दावा करता है कि मैं जानकारी रखता हूँ, मुझको नसीहत की ज़रूरत नहीं है, जिसके यहाँ किसी अंदाज की सरकशी या अनानियत है, ऐसे आदमी को कभी कभार उसी के हथियार से तोड़ा जाता है। मसलन उसको अहमियत दी जाए, अरे आप कभी आते नहीं हैं, एक रोज मेरे घर पर आइए, साथ में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ मसाइल आपसे मालूम करने हैं, कुछ चीजें आपसे पूछनी हैं, इस तरह का उसलूब इख्तियार किया जाए। और धीरे धीरे जब ताल्लुकात बन जाएं, करीब हो जाएं, वो आप पर एतमाद करने लगे, तब उससे उस तरह के मसाइल पूछिए जिन मसाइल का जवाब उसके पास ना हो। खुश उसलूबी से पूछिए, आप इस तरीके से ना पूछिए कि आप उसको फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन मकसद उसको फंसाना है। आप उससे खुश उसलूबी से पूछेंगे कि फला मसले के बारे में थोड़ी सराहत कर दीजिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो मसले का जवाब गलत बताता है तब अदब व एहतराम के दायरे में उसके सामने ये भी कहिए कि नहीं, इसके बारे में तो फला दलील भी मौजूद है, लिहाजा उस पर गौर करना चाहिए, आपका मसला लगता है कि उस दलील के खिलाफ है। जब उसको एतमाद हासिल करने के बाद ये ठेस पहुंचेगी कि मैंने जो जवाब दिया था वो गलत है, तो उसका जाम टूट जाएगा फौरन। वो समझ जाएगा कि अब लोगों को मेरे जहालत के बारे में इल्म होने लगा है, और धीरे 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 फिर इस तरीके से उसकी इस्लाह मुमकिन हो सकेगी। इस तरह के लोगों के लिए एक उसलूब ये भी होता है। ठीक है, आ गया समझ में मुजीबुर रहमान जी? शेख